स्टार्ट थे। हाँ है ना, और चार तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। जी, मेरे रिटायरमेंट में हमारी बच्ची आई थी और 30 तारीख को मेरा रिटायरमेंट था सितम्बर को, तो बुलाया था हमने, आए थे। वो गुंजन नाम की एक लड़की है, वो यहाँ आई थी, 2-3 बार आई है। हमारी भतीजी, भाई साहब की बच्ची है भतीजी, हम लोग यहाँ थे। ये मिसेज अकेली थी और वो थी घर पे। हम लोग तो सब चले ही गए थे बाजार वजार कोई काम से, या बच्चे ऑफिस जाते ही हैं, बहू ऑफिस जाती है, छोटा वाला भी ऑफिस जाता है। इस बीच में उसने हाथ सफाई कर दी, पहले भी वो वहाँ करके आई है अपने ससुराल में, अपने माँ बाप के भी, अपने ससुराल में भी करके आई है। और इस लॉकर में, इस अलमारी में ही सब सामान रहता था, जेवर हमारे। क्या क्या था? दो हार, 4 टॉप्स, 5 अंगूठी, 2 टीके, 1 नथ। कितने का माल होगा? अब भाई साहब अंदाजन मेरे का 5-7 लाख से भी ऊपर का होगा। कहाँ पर मकान आपका? मकान यही है ना, चंद्रवताई में। रिपोर्ट करेंगे? जी हाँ। कौन थाने में? रामगंज थाने में। नाम शुदा रिपोर्ट करेंगे? हाँ, नाम शुदा। जी हाँ। कौन है, किस पर शक है? गुंजन पे। गुंजन लगती है आपको? हमारी भाई साहब की बच्ची है, पति जी। आपका नाम? मेरा नाम सुनील विश्वा। और 4 कान के टॉप्स, 2 टीके, 1 नथ और 5 अंगूठी, 4 लेडीज और 1 जेंट्स। कहाँ पड़े थे वैसे? खोलना, ड्रॉ खोलना। बहू का था और मेरी मिसेज का था। आप क्या करते हो अंकल? मैं तो रिटायर हो गया अंदर रेलवे से। रेलवे से? थोड़ा सा यूँ करना अंकल, इसको यूँ तेज़ सा। इसमें क्या पड़ा था अंकल जी? इसमें सेट थे मिसेस के। अच्छा, ये मिसेस के सेट का पूरा।